बॉडीगार्ड स्टूडियोज। दोस्तों आप लोगों में से आरएक्स 10 फिल्म किसने देखी है, जो कि एक बड़ी फिल्म है, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट को बनी है। हम सभी जानते हैं कि उस फिल्म का हिंदी रिमेक बना है जिसमें बॉलीवुड के सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी नजर आने वाले हैं। अहान शेट्टी की ये डेब्यू फिल्म है जिसको लेकर वो काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। आज फिल्म का फाइनली ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, तो ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस फिल्म का नाम है तड़प। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे अहान शेट्टी और तारा सुतारिया। ये फिल्म रिलीज हुई है 3 दिसंबर को और फिल्म को डायरेक्ट किया है रजत अरोड़ा ने। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में और ट्रेलर के बारे में। तो दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को देखकर कह सकते हैं कि इस फिल्म का एक एक फ्रेम ब्लॉकबस्टर है। फिल्म के खूबसूरत लोकेशन, शानदार डायलॉग, एक्शन, सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। दोस्तों एक जमाना था जब लोगों को प्रेम कहानियां यानी कि लव स्टोरीज पसंद आती थी और हीरो हीरोइन के क्यूट रोमांटिक पल लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते थे। लेकिन आज वो जमाना बदल चुका है, लोग उन क्यूट रोमांटिक पलों में और भी ज्यादा मसाला चाहते हैं और रजत अरोड़ा इस बात को बहुत बखूबी से समझते हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदी ऑडियंस के हिसाब से इस फिल्म को बनाया है। ट्रेलर की तो फिल्म का ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग है। तो दोस्तों ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है, जब भी आप देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सारे स्टार किड्स लॉन्च हुए, उनकी फिल्में आई, ट्रेलर लॉन्च हुए, लेकिन जितना इम्पैक्ट तड़प के ट्रेलर ने दिया उतना अब तक किसी ने भी नहीं दिया। बात करें अहान शेट्टी की एक्टिंग की, तो फिल्म में बहुत सारे यानी कि ट्रेलर में बहुत सारे उनके क्लोजअप शॉट्स हैं और स्लो मोशन है, लेकिन यहाँ मेकर्स ने थोड़ी बहुत स्मार्टनेस दिखाई है कि उनके डायलॉग्स को मोंटाज पे रखे हैं। अब उनके एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स दोनों को एक साथ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाकर फिल्म देखनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा रियलिटी क्या है। बस देखा जाए तो तारा सुतारिया फिल्में हैं और दोनों की जोड़ी काफी फ्रेश है और मजेदार लग रही है, आप लोग उन्हें बहुत इंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों मैं किसी भी वीडियो में अपनी मैं बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की बात नहीं करता, वो भी जब बात आती है ट्रेलर की, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं हो सकती जब तक मैं बात ना कर लूँ बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक ने इस ट्रेलर को एक अलग ही लेवल दिया है। बहुत मजा और बहुत इम्पैक्टफुल है ट्रेलर, वो भी सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की वजह से। तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को। वेल, आपको कैसे लगा ट्रेलर अगर आप लोगों ने देखी है, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेनिंग ट्रेलर है और सच में अहान शेट्टी प्रॉमिसिंग लग रहे, लग रहा है देखकर कि कुछ धमाका हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ट्रेलर और अहान शेट्टी कैसी लगी उनकी डेब्यू फिल्म का ट्रेलर। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियो।